नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कल बंगाल की बहुचर्चित सीट नंदीग्राम में चुनाव हैं, यानी ममता बनर्जी की साख दांव पर हैं। उनके ही कभी लेफ्ट राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। टक्कर कांटे की है ये बात, हम पहले भी कह चुके हैं, और जो माहौल दिख रहा है उसमें भी टक्कर कांटे की बताई जाती है। लेकिन ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और वो वीडियो जिसमें ममता बनर्जी की जुबान फिसली है और ममता बनर्जी लगभग धमकी देती हुई नजर आ रही है, ये वीडियो न सिर्फ नंदीग्राम के लिए बल्कि पूरे चुनाव के लिए ममता बनर्जी के लिए मारक और घातक हो सकता है। ये वो वीडियो है जिसमें ममता बनर्जी यह कह रही है कि जब केंद्रीय बल चले जाएंगे तब क्या करोगे, फिर कहोगे केंद्रीय बल को कुछ दिन और रुकिए, हमको बचाइए, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा। यानी ममता बनर्जी, जो कि दो बार मुख्यमंत्री बनी हुई है, तीसरी बार फिर उसी दौड़ में है, उन मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान, इस तरह की धमकी भरा बयान, ये चुनाव में बहुत बड़ा फेरबदल कर सकता है। अगर ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच जाता है तो लोग अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। अब तक ममता बनर्जी के लिए एक सहानुभूति जुट रही थी, लोगों के मन में एक भावना थी कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्रिमंडल सब ने ममता बनर्जी को घेर लिया है और एक अकेली नारी चक्रव्यूह में फंस करके भी संघर्ष कर रही है। ममता बनर्जी की जीवटता, निडरता और संघर्ष की अद्भुत क्षमता लोगों को प्रभावित कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी का ये वायरल वीडियो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। ममता बनर्जी लगभग, बताया जा रहा है कि न जाने कितने ही मंदिरों में, नंदीग्राम के क्षेत्र में कितने ही मंदिरों में, संभवतः 24 मंदिरों का जिक्र आ रहा है, वहां पर वो जा चुकी है। उन्होंने अब अपना गोत्र सौंडिल्य भी पता कर लिया है, वो अब ये भी बता रही हैं। ममता बनर्जी का रोड शो कल हुआ, अमित शाह का भी रोड शो हुआ, दोनों के रोड शो में भीड़ थी, लेकिन अमित शाह के रोड शो में काफ़ी सुव्यवस्थित भीड़ देखने को मिली। हालांकि ये भी देखा गया कि ममता बनर्जी जहां से गुजर रही थी वहां के आसपास से लोग, विशेषकर महिलाएं, बड़ी उत्सुकता से दौड़ती हुई ममता बनर्जी को देखने के लिए आ रही थी। तो चुनावी प्रचार अपने जुनून पर है, अपने शबाब पर है, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव में एक भी बयान मारक हो सकता है, घातक हो सकता है, और एक भी बयान सेंटिमेंट को इतना बदल सकता है कि हारते हारते उम्मीदवार भी जीत सकता है। लेकिन लगता है ममता बनर्जी की जुबान फिसली है, और यह जुबान हताशा में फिसली है, या फिर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपना ये भी बाण चलाना चाह रही है, लोगों के बीच में एक डर पैदा करना चाह रही है, यह बताना चाह रही है कि उसके बाद तो पाला तुम्हारा हमसे ही पड़ना है। यानी केंद्रीय फोर्स के आने के बाद ऐसा लगता है कि चुनाव में धांधली नहीं होगी, चुनाव में गुंडागर्दी नहीं होगी, और इसलिए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं हताश होकर के तो ऐसा नहीं कह रही, ये भी सोचने की बात है। लेकिन ममता बनर्जी जैसी परिपक्व नेत्री से और राजनीति की एक दिग्गज हस्ती से इस तरह की बात कहना, सार्वजनिक रूप से कहना, ये शोभा भी नहीं देता और ये उनका दायित्व भी नहीं बनता। इसलिए ममता बनर्जी की जुबान फिसली और उससे ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है, ये चुनावी समीकरण है। ये जो बात घटनाक्रम से देखने सुनने में आती है उसका क्या माहौल बनता है, क्या फर्क पड़ सकता है, सिर्फ यह बताने के लिए मैंने इस बात को आप तक पहुंचाया है। और कल चुनाव है, कल उस पर हम नज़र रखेंगे, और उसके बाद
हम आपसे पुनः बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।